पर्सनली आई लव राइडिंग फुल्ली फेयर मोटरसाइकिल्स और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि ये दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट लुकिंग और गॉर्जियस होती हैं, वो आप देख ही सकते हैं। सेकेंडली, ये मोटरसाइकिल्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। एंड थर्डली, ये मोटरसाइकिल अपनी तरफ लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो आज मैं राइड कर रहा हूँ वन ऑफ माय फेवरेट फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल्स, द अपाचे RR 310 BTO। Here, BTO stands for Build to Order. Welcome again, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Jatin Shibba. You are watching ABP Live and here's a road test review of the all-new Apache RR 310 BTO. आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई ये BTO है क्या? तो यहाँ पे मैं आपके लिए चीजें थोड़ी सी सिंपलीफाई कर देता हूँ। BTO TVS का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप RR 310 को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, पर उस कस्टमाइजेशन की भी थोड़ी लिमिट्स हैं। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट किट्स मिलती हैं, पहली है रेस किट, दूसरी है डायनामिक किट। ये प्लेटफॉर्म एक तरह से फर्स्ट इन सेगमेंट ही है। अगर मैं इसके रेस किट की बात करूं तो उसमें आपको ₹5,000 एक्स्ट्रा देने हैं, और अगर मैं उसमें एडिट चीजों की बात करूं तो उसमें आपको मिलते हैं हाई नकल्ड फुट पैक्स, साथ ही साथ आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं डायनेमिक किट की, तो वहां पे आपको फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन और फुल्ली एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसका सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं और इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं। और डायनेमिक किट में आपको देखने को मिलता है ब्रास की चेन। ब्रास चेन नॉर्मल चेन से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल और रेजिस्टेंट होती है। इसकी ये जो लिवरी है ये भी इस किट का पार्ट ही है। ये लिवरी इंस्पायर्ड है TVS की वन मेक चैंपियनशिप मोटरसाइकिल से, और इस किट के लिए आपको ₹4,500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि काफी वर्दी है। अब हम मूव करते हैं इस मोटरसाइकिल के लुक्स एंड डिजाइन की तरफ। लुक्स के मामले में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मोटरसाइकिल दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर मैं इसमें कुछ डिजाइन एलिमेंट्स की बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्रंट विंडशील्ड पे आपको यहाँ पे एक नंबर मिलता है, जैसे कि इसमें 01 नंबर है, तो आप थ्रू BTO प्लेटफॉर्म इस नंबर को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी स्पेशल डेट यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो काफी ज्यादा अच्छा है। साइड में ही यहाँ पे आपको LED साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। ये इसके साइड मिरर्स हैं जो कि दिखने में काफी स्मार्ट लुकिंग है, और ये आपको एक अच्छा व्यू भी प्रोवाइड करते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बड़ी सी फेयरिंग मिल जाती है जहाँ पे आपको TVS रेसिंग अपाचे लिखा हुआ दिख जाता है, और इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको एक 11 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्टेप सीट्स मिलती हैं, और आपको यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट कैन मिल जाता है। अगर मैं इसके रियर की तरफ मूव करूँ तो इसका रियर एंड भी देखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखता है। वहां पे आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको LED साइड ब्लिंकर्स देखने को मिलेंगे। मूव करूँ अगर मैं इसके स्विच गियर की तरफ तो यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। जो इसके हैंडल बार का लेफ्ट साइड है यहाँ पे आपको डिपर का स्विच मिलता है, हैजर्ड लाइट का स्विच मिलता है। ये जो आप यहाँ पे चार स्विचेस देख रहे हैं इनकी भी काफी यूटिलिटी है। यहाँ पे आप इन स्विचेस के थ्रू मोड्स चेंज कर सकते हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको चार डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक। और साथ ही साथ आपको यहाँ नीचे साइड इंडिकेटर्स का बटन मिलता है और उसके नीचे हॉर्न का मिल जाता है। राइट साइड में आपको इतने सारे बटन देखने को नहीं मिलते, राइट साइड में बस आपको एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। मूव करूं अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ तो यहाँ पे आपको एक TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है जो मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, कूलेंट टेम्परेचर यहाँ आपको देखने को मिलता है, टॉप स्पीड आपको मिलती है कि आपकी मोटरसाइकिल कितनी टॉप स्पीड पे गई हुई है। नीचे आपको इसमें ओडोमीटर और ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, और इसमें आपको TVS की X कनेक्ट
ऐप का भी फीचर मिलता है, वो ऐप अपने आप फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इस मोटरसाइकिल से पेयर कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मैसेज अलर्ट, लास्ट पार्क लोकेशन, ये सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो लुक्स और फीचर के मामले में ये मोटरसाइकिल काफी लोडेड है। अब मूव करते हैं हम इस मोटरसाइकिल के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, विच इज इट्स परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूं इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की, तो ये बाइक पार लेती है 312 सीसी के लिक्विड कूल्ड इंजन से, जो प्रोड्यूस करता है लगभग 34 bhp का पार एंड 27.3 nm का पीक टॉर्क। साथ ही साथ इसमें आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 4 डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिलते हैं। इसका जो अर्बन और रेन मोड है, उसमें ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है 25.8 bhp का पार एंड 25 nm का पीक टॉर्क। वहीं इसके स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है 34 bhp का पार एंड 27.3 nm का पीक टॉर्क। इसका जो ट्रैक और स्पोर्ट्स मोड है, इन दोनों में पार आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है, बट जो ट्रैक मोड है वहां पे इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ज्यादा एग्रेसिव और प्रिसाइज हो जाता है। इस मोटरसाइकिल की जो टॉप स्पीड है वो है अराउंड 170 kmph की और इसका जो इंजन है वो काफी ज्यादा रिफाइंड है। जब आप इस मोटरसाइकिल को राइड करेंगे, यू कैन फील द पार कमिंग थ्रू आउट द रेव रेंज। आपको यहाँ पे लोअर एंड से टॉप एंड तक पार मिलेगी। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसके इनिशियल पंच, मिड रेंज या टॉप एंड में पार कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसका जो रेन मोड है, उसमें इस मोटरसाइकिल का थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा कम एग्रेसिव हो जाता है और साथ ही साथ इसका जो ABS है वो और ज्यादा इंट्रूसिव हो जाता है। और इस मोटरसाइकिल में आपको मिलती है TVS की GTT+ टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अगर आप सिटी ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हैं, जहां पे आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके क्लच को मॉड्यूलेट करते हुए इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं। और इस मोटरसाइकिल में आपको TVS का रेस ट्यून्ड स्लिपर क्लच मिलता है, जिसका ये फायदा है कि अगर आप इसे हाईवेज पर राइड कर रहे हैं या फिर अगर आप इसे ट्रैक पर चला रहे हैं, तो आपको क्लच यूज करने की जरूरत नहीं है गियर शिफ्ट्स करने के लिए। इसके गियर बॉक्स की भी ट्यूनिंग काफी अच्छे तरीके से TVS ने कर रखी है। तो ये था इस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस। अब हम मूव करते हैं इस बाइक के राइड एंड हैंडलिंग की तरफ। तो बात करें अगर हम इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग की, तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेकर सिटी में राइड कर रहे हैं, तो यू कैन फील द पेन इन योर फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स। वहीं अगर आप इस मोटरसाइकिल को हाईवे पर राइड कर रहे हैं या खुले किसी स्ट्रेच पर राइड कर रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको KYB के फुल्ली एडजस्टेबल यूनिट्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में। इसका जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से TVS ने कर रखी है, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर्स और पॉट होल्स को बहुत अच्छे से काउंटर करता है। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं विद डुअल चैनल ABS। अंडर हार्ड ब्रेकिंग इस मोटरसाइकिल को बहुत अच्छे से स्टॉप करता है। और इसमें आपको देखने को मिलते हैं मिशलिन के रोड 5 टायर्स, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल सिटी कंडीशन में। बट अगर आप इसे ट्विस्टी रोड जैसे पहाड़ों पर चला रहे हैं, तो भी आपको कॉर्नरिंग करते हुए ये टायर्स काफ़ी अच्छे से मदद करेंगे और एक अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी इसके ओवरऑल राइड और हैंडलिंग की बात। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले मैं बात करता हूँ इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। इस बाइक का प्राइस है इंडियन मार्केट में लगभग 2.65 lakh एक शोरूम दिल्ली। अपने सेगमेंट में ये डायरेक्टली राइवल करती है KTM RC 390 और कावासाकी निंजा 300 को। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए कि नहीं। अगर मेरी मानिए तो आपको ये मोटरसाइकिल ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज़, ये मोटरसाइकिल दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसमें आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर मिलती है, जो कि आपकी एवरीडे कम्यूटिंग को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देगी। और साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस टेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमें अपने व्यूज़ अबाउट दी अपाचे RR 310 BTO नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स।